टीम इंडिया पर टूटा दुखों का पहाड़। वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या। पांड्या को प्रैक्टिस के दौरान लगी चोट, अब बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हार्दिक पांड्या। वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है और अब से ठीक एक दिन के बाद यानी कि 8 अक्टूबर को टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलना है। यह मुकाबला चेन्नई के एमएच चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें एक दूसरे से टक्कर लेने की तैयारी कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही टीमों के पास एक से बढ़कर एक तगड़े खिलाड़ी हैं, जो इस मुकाबले को अकेले ही अपने दम पर जिताने का मादा रखते हैं। लेकिन चेन्नई में होने वाले इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आ रही है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए हैं और अब वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है हार्दिक पांड्या को और कैसे वो हो सकते हैं वर्ल्ड कप से बाहर। एक तरफ जहां टीम इंडिया के स्टार ओपनर शुभमन गिल डेंगू की वजह से लगभग बाहर हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी चोट लग गई है। प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक पांड्या की उंगली में चोट लग गई और इस चोट के बाद हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस में बल्लेबाजी भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर है और इस चोट की वजह से वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। हालांकि शुभमन गिल पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो गए हैं और अब हार्दिक पांड्या के खेलने पर भी इस मुकाबले पर सस्पेंस बन गया है। प्रैक्टिस के दौरान लगी हार्दिक पांड्या को चोट, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। एक तरफ जहां टीम इंडिया के स्टार ओपनर शुभमन गिल को डेंगू हो गया, वहीं दूसरी तरफ अब टीम इंडिया के धांसू ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले से पहले चोटिल हो गए हैं। नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की उंगली में चोट लग गई। इस चोट के लगने के बाद हार्दिक पांड्या बैट तक नहीं पकड़ पा रहे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की ये चोट ज्यादा गंभीर है। हालांकि उन्हें फिलहाल स्कैन के लिए भेजा गया है और अगर उनके स्कैन में उनकी उंगली टूटी हुई नजर आती है तो फिर ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है और हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। अगर हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं तो ये टीम मैनेजमेंट के लिए काफी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इस समय टीम इंडिया के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। वो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी टीम इंडिया के लिए अहम रोल अदा करते हैं। अब देखना होगा कि हार्दिक पांड्या के स्कैन में क्या आता है। हालांकि भारतीय क्रिकेट फैंस तो यही चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या की चोट ज्यादा गंभीर ना हो और वो जल्द ही मैदान पर खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या का फिट होना टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा अहम है। शार्दुल ठाकुर को मिल सकता है पांड्या की जगह मौका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले से ठीक 24 घंटे पहले हार्दिक पांड्या का यूं चोटिल होना भारतीय टीम मैनेजमेंट का सरदर्द बढ़ा गया है और अब भारतीय टीम मैनेजमेंट को भारत की प्लेइंग 11 में भी बड़े बदलाव करने होंगे। हो सकता है कि हार्दिक पांड्या की जगह अब टीम इंडिया में शार्दुल ठाकुर आपको खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया 3 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरेगी और इसके अलावा हार्दिक पांड्या तीसरे पेसर की भूमिका निभाते। लेकिन अब हार्दिक पांड्या चोट की वजह से शायद ही इस मुकाबले में खेल पाए, तो ऐसे में अब उनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है और शार्दुल ठाकुर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे दोस्तों, अभी तक हार्दिक पांड्या की चोट पर कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मात दे पाएगी? क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के पहले मैच में हरा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।